Good morning, students. Let us continue. Our next topic, what did liberal nationalism stand for? Idea of national unity. In early 19th century, Europe were closely allied to the ideology of liberalism. जो आइडिया था जो नेशनल यूनिटी का आया था यूरोप में 19th सेंचुरी में वो क्लोजली जुड़ा हुआ था, अलाइड का मतलब जुड़ा हुआ था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, मतलब कि उदारवाद की नीति के साथ जुड़ा हुआ था. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लेटिन रूट लिबर. जो लिबरलिज्म वर्ड है वो कहाँ से निकला है? लेटिन वर्ड है लिबर, जिसका मीनिंग है फ्री. फॉर द न्यू मिडल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल. जो न्यू मिडल क्लासेस थी उन्होंने लिबरलिज्म का मतलब क्या समझा था? फ्रीडम होगी इंडिविजुअल्स के लिए और इक्वालिटी भी होगी ऑल सभी के लिए बिफोर द लॉ कानून के सामने. पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. पॉलिटिकली इसमें किस पे जोर दिया गया? कि जो गवर्नमेंट का जो ये कंसेप्ट है कि जो गवर्नमेंट बनेगी बाय कंसेंट, वो सहमति से बनेगी. सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन से लेके अब तक लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. ये लिबरलिज्म कैसा था कि एंड कर देगा ऑटोक्रेसी, जो राजतंत्र है, जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस, मतलब कि जो पादरी वर्ग है हमारा, जैसे कि हमारे फर्स्ट एस्टेट में थे वो चर्च हेडमैन थे, वो सारे की सारी इनको ख़त्म कर देंगे. अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू बनाई जाएगी? पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाएगी. 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब 19th सेंचुरी में किस पे जोर दिया गया? कि जो ये हमारा जो संपत्ति का जो अधिकार था हम प्राइवेट प्रॉपर्टी का, अब वो भी क्या किया गया? उसको छीन लिया गया. येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. अब इक्वालिटी थी जो कानून के सामने, वो क्या नहीं कर सकती थी? नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. यूनिवर्सल सफरेज क्योंकि सफरेज का मतलब है मताधिकार, सबको वोटिंग का राइट. यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस. हम पीछे बात करते हैं, रिवोल्यूशनरी हुई थी जो फ्रांस के अंदर, विच मार्क्स द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने अपना एक फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था इन लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर. द राइट टू वोट, जो किस में क्या दिया गया था? राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड. जो इलेक्ट किया गया था उसको ग्रांट का मतलब होता है देना, प्रदान करना. एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओविंग मैन. उसमें हमने पढ़ा था कि 9th क्लास में, कि जो प्रॉपर्टी थी किसकी थी, जिसके पास वोट कौन डाल सकता था? जिनके पास प्रॉपर्टी है या फिर उनको पैसे देने पड़ते थे. मेन विदाउट प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी. एंड ऑल वुमेन, जितनी भी औरतें थी, वर एक्सक्लूडेड, उनको एक्सक्लूड बाहर कर दिया था फ्रॉम पॉलिटिकल राइट से. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, लेकिन एक ब्रीफ, ये केवल एक पीरियड के लिए था. अंडर द जैकोबिन्स, जैकोबिन्स क्लब्स बनाने शुरू कर दिए थे. डिड ऑल, उनमें क्या बोला गया? डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज. मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एडल्ट मेल हैं वही खाली क्या करेंगे? मताधिकार का प्रयोग करेंगे. हाउ एवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू, जब नेपोलियन कोड लेके आया था 1804, लिमिटेड, उसमें भी लिमिटेड सफरेज दी गई थी, मताधिकार दिया गया था. एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर. जो वुमेन था उनका जो स्टेटस था वो माइनर था, कम समझा जाता था. सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ, उनको क्या माना जाता था वुमेन को? कि वो क्या है? अथॉरिटी है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है फादर की या फिर उसके हस्बैंड की, वही उसका पालन पोषण करेंगे. थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रोपराइट मैन. मतलब कि जो अर्ली में 19th और 20th सेंचुरी में वुमेन को क्या हुआ? जो वुमेन थी और नॉन प्रोपराइट, मतलब कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो जितने भी आदमी थे, ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग. अब उन्होंने ओपोजिशन में खड़े हो गए, वो मूवमेंट की डिमांड की क्या, ताकि उनको क्या मिले? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले. इन द इकोनॉमिक स्फीयर पे लिबरलिज्म का मतलब क्या था? लिबरलिज्म स्टूड
फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, उनको क्या बोला कि जो इकोनॉमिक लेवल पे क्या बोला गया कि उनको फ्रीडम होगी मार्केट्स की, एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो सामान भेजते हैं, मूवमेंट होता था गुड्स का, जो वो रिस्ट्रिक्शंस है वो ख़त्म कर दी जाएंगी ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। ड्यूरिंग द 19th century दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, 19th century में क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, द डिमांड ऑफ मिडल क्लासेस। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। जर्मन स्पीकिंग जो रीजन था, फर्स्ट हाफ था जो 19th century का, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है क्यों ख़त्म की गई, इसका एग्जाम्पल लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किया गया, हैज़ क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ 39 states। अब जो 39 states थी उसके अंदर काफ़ी सारी प्रिंसिपैलिटीज थी, अलग अलग बने हुए थे, मतलब कि मेजर्स का जो वेट का सिस्टम था, करेंसी का था, वो सब कुछ अलग अलग बने हुए थे। ईच ऑफ दिस पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी, उनकी अपनी करेंसी थी, वेट था और मेजर का सिस्टम अलग अलग था। अब मर्चेंट ट्रैवलिंग, मान लो एक मर्चेंट को ट्रैवल करना है 1833 में फ्रॉम हैम्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग तक, हैम्सबर्ग से कहाँ पर जाना है, न्यूरेमबर्ग तक जाना है, टू सेल हिज गुड्स, अपना सामान बेचने के लिए, वुड हैव टू हैड टू पास थ्रू 11 customs, मतलब कि 11 customs barriers होंगे, मतलब कि आयात शुल्क होंगे, एंड पे अ कस्टम ड्यूटी, और उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अबाउट जितना वो सामान बेचने जा रहा है उसका 5% एट ईच वन ऑफ देम, सभी को अलग अलग। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड का मतलब होता है लगाना, जो ये ड्यूटीज कैसे लगाई जाती थी, अकॉर्डिंग टू वेट और मेजरमेंट, मतलब कि हमारे जो सामान का वेट कितना है या फिर मेजरमेंट कितना है ऑफ द गुड्स। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन, लेकिन हर एक रीजन में अपना एक सिस्टम भी था वेट और मेजर का। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, जिसमें टाइम लगता था कैलकुलेशन करने में। द मेजर ऑफ क्लॉथ, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेजर ऑफ क्लॉथ वॉज द एल, एल एक इकाई थी, यूनिट थी, विच इज इन ईच रीजन स्टूड फॉर, और ये क्या था, डिफरेंट लेंथ थी इसकी, एल की। एन एल इज टेक्सटाइल मटीरियल, जहाँ से आप खरीदा इन फ्रैंकफर्ट से, वुड गेट यू 54.7 meter क्लॉथ मिला आपको एक एल में, और मेन्स में जाके 51.5 centimeter हो गया, न्यूरेमबर्ग में 65.6 centimeter हो गया, और इन फिरीबर्ग में 53.5 centimeter को एक एल माना गया। सच कंडीशंस वर वीव्ड एज ऑब्स्टैकल टू, अब ये सारी की सारी जो कंडीशंस थी एक बाधा बन गई थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में और ग्रोथ में बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस के लिए, हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। अब उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि वो एक यूनिफाइड, मतलब कि एक समान इकोनॉमिक टेरिटरी अलो द अनहिंडर्ड का मतलब होता है जिसमें कोई भी बाधा नहीं होगी मूवमेंट ऑफ गुड्स में, पीपल एंड कैपिटल में, एक ऐसी क्रिएशन लेके आनी है। इन 1834 में क्या हुआ, अ कस्टम यूनियन और जोलवेरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसा, उन्होंने क्या किया, प्रसा ने शुरू किया कि जोलवेरिन और कस्टम यूनियन थी जो जोलवेरिन में, उन्होंने प्रसा की पहल पर क्या किया, ये शुरू किया, कस्टम यूनियन शुरू की, एंड जॉइंड बाय द मोस्ट, और इनको ज्वाइन किया गया जर्मन स्टेट्स ने। द यूनियन एबोलिस्ड, अब इसने यूनियन एबोलिस्ड ने टैरिफ, जो टैरिफ बैरियर थे, आयात शुल्क थे, जो मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने में लगते थे, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज भी रिड्यूस कर दी फ्रॉम ओवर 32, बल्कि 30 से लेके 32 तक कम कर दी थी करेंसी। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे, मतलब क्या क्रिएट किया गया, रेलवे का नेटवर्क बढ़ाया गया, फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, मतलब ताकि ऐसे एरिया में भी पहुंचा जा सके जहां पे अभी तक हमारी पहुंच में नहीं है। हार्नेसिंग इकोनॉमिक, इकोनॉमी को जोड़ना था इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन के साथ,
तो ताकि उसका क्या हो, उनका भी हित हो। इंटरेस्ट का मतलब इसके अंदर हित है, किसी की भलाई। यूनिफिकेशन मतलब कि एकाधिकार हो। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन्ड द, जो वेव थी, जो ये लहर थी इकोनॉमिक जो राष्ट्रवाद की, उसने स्ट्रेंथन बढ़ा दिया था द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स ग्रोविंग एट द टाइम। इस टाइम पे काफ़ी सारे जो नेशनल सेंटीमेंट्स थे, मतलब कि अनेक अलग अलग तरह के जो इंडस्ट्रीज थी, जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होनी थी, वो काफ़ी सारी इसमें क्या हो गई थी, इस टाइम में ग्रो हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 18। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, रूढ़िवादी। बल्कि कंजर्वेटिज्म होता है, सॉरी, कंजर्वेटिज्म होता है रूढ़िवादी, जो अपनी पीछे वाली परंपराओं को लेके जाना चाहते हैं आगे। वो कोई भी जो नया चेंजेस हो रहा है उसमें चेंज नहीं करना चाहते। वो किसी भी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनको अपनाते ही नहीं है। वो होते हैं हमारे कंजर्वेटिव्स। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन, जब नेपोलियन हार गया 1815 में, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, वॉज ड्रीवन अ स्पिरिट ऑफ, वहाँ पे कौन सी स्पिरिट लेके आई गवर्नमेंट, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादी। अब कंजर्वेटिव बिलीव्ड दैट एस्टाब्लिश्ड, उन्होंने क्या बोला, कंजर्वेटिव क्या बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी, उनको एस्टाब्लिश करना चाहिए, लाइक द मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। मतलब कि जो राजतंत्र है, जो चर्च है हमारी, सोशल हायरार्की, जो सामाजिक जो हमारे दायरे हैं, जो प्रॉपर्टी है और जो फैमिली है, जिस तरह से चली आ रही है, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट पर्पज अ रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। काफ़ी सारे जो कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि हम अपने पीछे वाले जो क्रांति के दिन थे, हमारे जो सोसाइटी थी हमारी पास्ट की, हम उसमें चले जाए। रैदर दे रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय, जो चेंजेस शुरू किए गए हैं नेपोलियन ने, जो पहल की थी इन चेंजेस को करने की, दैट मॉडर्नाइजेशन, वो क्या थे, आधुनिकरण था, कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ करना चाहिए हमें, हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है उनको भी आगे लेके जाएगा, लाइक द मोनार्की। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रोंग, ये क्या बना सकता था, हमारी स्टेट पावर को इफेक्टिव और स्ट्रोंग बना सकता था। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, उसके लिए उन्होंने हमें क्या करना होगा, एक मॉडर्न आर्मी मतलब कि नई तरह की जो सेना बनानी होगी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब कि एफिशिएंट सही जो ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है, डायनामिक इकोनॉमिक मतलब कि हमें इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था जो डायनामिक है, गतिशील रहे वो, मतलब कि इनस्टेबल ना रहे। द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, मतलब कि उन्होंने फेडरलिज्म था ना सामंतवाद का, कि एक एरिया में काफ़ी सारे जो एक सामंती था होता, वो क्या करता था, एरिया के अंदर सारे के सारे रिवेन्यू कलेक्ट करता था, उसको भी ख़त्म कर दिया। सर्वडम जो भूदास्तव था वो भी ख़त्म कर दिया गया। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक, जो स्ट्रेंथ कर सकता था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को यूरोप के अंदर। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर के, ब्रिटेन, रशिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कोलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन, उनको भी क्या किया गया था, उन्होंने भी नेपोलियन को हराया था यूरोप के साथ मिलकर। वो कहाँ पे मिले, मैट एट वियना, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। वो क्या लेके आना चाहते थे, एक सेटलमेंट लेके आना चाहते थे यूरोप के लिए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द, जो कांग्रेस को होस्ट किया वो ऑस्ट्रेलियन जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिख ने कहा। द डेलीगेट्स, डेलीगेट जो उसके साथ के प्रतिनिधि थे, उसके साथ जो काम करने वाले हैं उसको फॉलोअर थे, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, वो एक ट्रीटी ऑफ वियना की संधि लेके आए 1850 में, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट थे, उद्देश्य थे अनडूइंग मो, जो अभी तक किए भी नहीं गए थे, दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप, जो यूरोप में आ सकते थे ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर, मतलब कि जो नेपोलियनिक वार के अंदर आए थे। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बिन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको भी डिपोज्ड, डिपोज का मतलब कि उसको भी एक साइड कर दिया था,
वॉज रिस्टोर, जिसने पावर को रिस्टोर किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, एंड फ्रांस लॉस द जो फ्रांस ने अपनी टेरिटरी लॉस कर दी थी, इट हैड अनेक्स्ड अंडर, जो वो किसके अंडर में चली गई थी, नेपोलियन के। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, इस तरह से एक सीरीज स्टार्ट हुई थी स्टेट की बाउंड्रीज पे फ्रांस की, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ताकि वो फ्रेंच की जो एक्सपेंशन थे उसको बढ़ाना चाहते थे और उसको बचाना भी चाहते थे फ्यूचर में। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जो किंगडम था नीदरलैंड का, विच इंक्लूडेड, जिसके अंदर बेल्जियम को भी इंक्लूड किया गया था, वो सेटअप इन द नॉर्थ, जो किस कहाँ पे सेटअप किया गया था, नॉर्थ में, एंड जनेवा वॉज एडिड टू पिडमोंट, और जनेवा कहाँ पे एडिट किया गया था, पिडमोंट के साउथ में। प्रशा वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर, अब जो प्रशा को कैसी इंपॉर्टेंट दी गई थी नई टेरिटरी की, वो वेस्ट फ्रंटियर पे थी। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदरन इटली, जो ऑस्ट्रिया का जो कंट्रोल था वो नदरन इटली पर था। बट द जर्मन कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन का मतलब महासंघ था, ये 39 स्टेट्स थी, दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, ये मतलब कि जो नेपोलियन ने इनको क्या किया था, ये अनटच थी अभी तो, मतलब कि नेपोलियन के अंडर में, मतलब कि इसको छुआ भी नहीं था। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रशा वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सक्सेनी, अब जो रशिया को कौन सा पार्ट दिया गया, पोलैंड का, जबकि प्रशा को कौन सा पोर्शन दिया गया, सक्सेनी का। द मेन इंटेंशन वॉज टू, अब जो इनकी मेन इंटेंशन थी वो रिस्टोर करना चाहते थे मोनार्कीज को, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन, जो किस पे, किसने शुरू की थी, नेपोलियन ने शुरू की थी, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और तो इसके लिए क्या आया, एक नया कंजर्वेटिव रूढ़िवादी जो एक ऑर्डर पास किया गया। अब कंजर्वेटिव जो रिजाइम थे, रिजाइम्स का मतलब उनकी जो व्यवस्थाएं थी सेटअप की गई 1850 में, वर ऑटोक्रेटिक, वो सारी की सारी क्या थी, निरंकुश थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर सकते थे, एंड डिसेंट, मतलब कि वो क्या चाहते थे कि उनकी अगर कोई भी ऐसा असहमति दिखाता है या आलोचना करता है, एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज, या फिर हम एक्टिविटीज को दबाना चाहता है, दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी, या फिर क्वेश्चन उठाता है लेजिटिमेसी के, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, लीगली, लीगल कितनी है ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप, मोस्ट ऑफ ने क्या किया, सेंसरशिप बनाई, कानून बनाए गए टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, मतलब कि उन्होंने क्या बोला, सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जैसे जो न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं हमारे, कि उसके ऊपर कंट्रोल किया गया, कि न्यूज़पेपर के ऊपर उसमें क्या बोला गया, कंट्रोल करेंगे कि न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज लिबर्टी एंड फ्रीडम, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो हमारे कुछ लोग थे जो लिबरल्स थे, वो तो हमें लोगों को अवेयर करना चाहते थे ना, तो उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिए थे आइडियाज ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम के, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो मोनार्कीज के अंदर इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। Associated with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. मतलब कि जो memory थी जो French, nonetheless का मतलब वो कभी भी ख़त्म ही नहीं हुई थी, वो हमेशा continue रही थी, inspire कर रही थी वो liberals को। One of the major issue taken up the liberal nationalist, जो एक और liberal nationalist ने क्या लिया था, इश्यूज था, कौन सा था, हु क्रिटिसाइज द न्यू, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जो न्यू कंजर्वेटिव थे, वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वो क्या चाहते थे कि प्रेस को फ्रीडम दी जाए, ताकि वो सभी लोगों को भी अवेयर कर सके, जो उसमें जो छापा जा रहा है उसके अंदर, जो प्रिंट किया जा रहा है उसके अंदर सही से प्रिंट किया जाए, सही की सभी की जो पॉलिसीज हैं वो सभी को बताई जाए।